आपको मैदान न्यूज़ पर मलिक सिकंदर, आइए मैं आपको लाइव कवरेज दिखा रहा हूँ। धरने के शुरुआत से बात करते हैं, इनके ये क्या कहना चाहते हैं, इनके क्या तहफ़ात हैं। हाँ मलिक, अस्सलाम वालेकुम, मैं रमनाज, हम यूसुफ गोट से आए हैं, सुरजानी से आए हैं। हम इनसे अपील करते हैं कि ये हमारे हक दें और हमारी यूसुफ गोट को रोड गलियाँ और नाले वगैरह ये बना के दें। ऐसे ऐसे इन्होंने कौन से वादे करें आपसे जो आपको यहाँ आना पड़ा, क्या इस तरह कौन सा मुर्तजा साहब ने आपसे वादा करा था जो आपको ये धरना देना पड़ गया? मुर्तजा साहब ने बहुत सारे वादे किए हैं, हम उन ये अपने वादे पे उतरे हैं और हमारे हक दें प्लीज उतारा। हम इनसे माजरत करते हैं कि ये हमारे हक दें और हम इनसे कुछ भी नहीं बोलना चाहते, सिर्फ नाले गटर लेन और हमारे गैस बहुत सारी ज़रूरतें हैं और उसमें स्कूल भी नहीं है और बहुत हद तक के हमें मजबूर हैं कि ये हमारी ज़रूरतें पूरी करें। उम्मीद करते हैं कि ये हमारी आवाज़ सुनेंगे। और तो और देखिए ना, अब तो गैस भी नहीं है, यकीन करें हमारे बच्चे ऐसे ही बैठे रह जाते हैं, मम्मा नाश्ता दे दें, खाना दे दें, पानी नहीं है, लाइट नहीं है, कैसा ये माहौल है, कैसी तब्दीली है, खुदा का कहर है। आप क्या कहना चाहते हैं एडमिनिस्ट्रेटर से, क्या कहना चाहते हैं मुर्तजा साहब आपसे? हम यही कहना चाह रहे हैं कि वो इंसाफ करें, हमें हमारा हक दें बस, और हम इनसे कोई गुजारिश नहीं कर रहे, सिर्फ यही कह रहे हैं कि ये हमारे इलाके को बेहतर से बेहतर बनाएं। जी, कैमरा मैन अली के साथ मलिक सिकंदर, मैदान न्यूज़ कराची।